हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज मैं आपको बात करने वाला हूँ फ्री फायर के मिस्ट्री शॉप के बारे में, जो हमारा अपकमिंग मिस्ट्री शॉप है, मिस्ट्री शॉप 10.0। तो वो मिस्ट्री शॉप 10.0 जो आप लाना चाहते हो फ्री फायर में, वो कब आने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो आपको भी जानना है कि मिस्ट्री शॉप 10.0 कब आने वाला है फ्री फायर में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस यहाँ पे आप लोग के लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ। यहाँ पे जो भी बंदा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, उसके लिए उस 3 लकी पर्सन के लिए मैं लाया हूँ वीकली मेंबरशिप का गिव वे, जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। गाइस यहाँ पे अभी अभी थोड़े ही दिनों पहले हमारे फ्री फायर में एक मिस्ट्री शॉप आया था, जिसका नाम था मिस्ट्री शॉप 9.0, लेकिन उसमें कुछ भी अच्छे बंडल्स नहीं थे। पर हमारे जो आगे मिस्ट्री शॉप आने वाला है 10.0, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बंडल्स होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर, मतलब कि उसमें आ सकता है डीजे अलोक, जो आपका फेवरेट है। इसलिए भाई लोग मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी एक भी डायमंड आपका खर्च मत करना, आपके पास जितने डायमंड है वो बचा के रखना। मिस्ट्री शॉप ये मंथ में तो नहीं आने वाला, मिस्ट्री शॉप आने वाला है अगले मंथ के एंड में, मिस्ट्री शॉप आने वाला है अगले मंथ के 21 से 25 तारीख के बीच। ओके अगले मंथ में सेवन मंथ में, मतलब कि जून और ये जुलाई आगे आने वाला है, उस जुलाई में आने वाला है मिस्ट्री शॉप। उसमें हमको कई सारे बंडल्स देखने को मिलने वाला है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे फ्री फायर में सामुराई बंडल एक बहुत ही रियर बंडल है, वो भी हमारा इवेंट में आने वाला है। इससे पहले फ्री फायर में 2 बार सामुराई बंडल वाला इवेंट आ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने FB पे जाके सर्च किया, मतलब कि वो फ्री फायर का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी वो हमारा सामुराई वाला बंडल का। इसलिए हमारे फ्री फायर में वो सामुराई वाला बंडल जो आप चाहते हो, वो फिर से आने का चांसेस 100% है। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा डायमंड्स जमा करने पड़ेंगे, और यहाँ पे एक भी डायमंड्स नहीं उड़ाना होगा। गाइस आपको भी चाहिए अगले महीने का एलाइट पास, वो भी सिर्फ 100 डायमंड में। तो मैं बोल रहा हूँ अभी तक आपने वो डायमंड नहीं उड़ाए, तो प्लीज़ डायमंड मत उड़ाना, डायमंड बचा के रखना। मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपके लिए डायमंड्स कलेक्ट करना बहुत ही इजी नहीं है, इसलिए भाई लोग बोल रहा हूँ अभी आपके पास जितने भी डायमंड है वो बचा के रखना, और आगे भी जितने भी डायमंड आए वो बचा के रखना, और वो यूज़ करना सिर्फ मिस्ट्री शॉप ने। फालतू में यूज़ करोगे तो आपके ही डायमंड वेस्ट होने वाले हैं। अगर आप लोग वो डायमंड्स बचा के रखते हैं तो आपका अगले महीने का एलाइट पास बहुत ही कम डायमंड्स में आ सकता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, अभी मेरी चैनल पे फिर से आने वाला है थोड़े ही दिनों में गिव वे, तो रेडी रहना उस गिव वे के लिए। और भाई लोग बोल रहा हूँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और गाइस अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट, मतलब कि जो मैंने आपको बोला था कि वीकली मेंबरशिप। तो भाई लोग मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है विवेक सूरती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसकी चैनल का लिंक। वो अभी थोड़े ही दिनों में 3 बंदे को सबसे ज़्यादा, मतलब कि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने 3 या 4 बंदे को उसमें से वो वीकली मेंबरशिप या तो मंथली मेंबरशिप देने वाला है उसकी चैनल पे। तो गाइस उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। उसका चैनल कतई ओपी चैनल है भाई लोग, उसको थोड़े ही सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो जल्दी से जाओ उसकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और उसको भी सपोर्ट करो, ताकि वो आप सबको दे सके वीकली मेंबरशिप। और भाई लोग मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा 9.0 मिस्ट्री शॉप था वो कतई ख़राब था, मतलब कि एकदम गंदा वाला था, ओनली एलाइट पास ही उसमें सही था। लेकिन हमारा जो 10.0 मिस्ट्री शॉप आने वाला है, 10.0 या 10.0 जो बोलना है वो बोलो भाई लोग, लेकिन उसमें जो मिस्ट्री शॉप आने वाला है वो कतई जहर आने वाला है। वो आने वाला है जुलाई के एंड में, मैं आपको बोल देता हूँ जुलाई के एंड में आएगा, इस मंथ में नहीं आएगा। कोई भी यूट्यूबर बोले कि इस मंथ में आएगा तो विश्वास मत करना, अगले मंथ में ही आने वाला है, ये पक्की डिटेल है भाई लोग, 100% है। तो भाई लोग मैं बोल रहा हूँ आपको, अपने डायमंड्स ज़रा सा भी वेस्ट मत करना, बचा के रखना। और सामुराई वाला बंडल वाला भी इमोट जल्दी आने वाला है, सॉरी सामुराई बंडल वाला जो बंडल है वो जल्दी आने वाला है हमारी गेम में। तो डायमंड खर्च मत करना, और भाई लोग डायमंड बचा के रखना, क्योंकि यहाँ पे कतई डायमंड यूज़ करने होते हैं हमारे मिस्ट्री शॉप में। और यहाँ पे 80 से 100 डायमंड तक हमें डीजे अलोक भी देखने को मिल सकता है हमारे मिस्ट्री शॉप में। ये 90% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे डीजे अलोक है वो कतई खतरनाक वाला जो हमारा कैरेक्टर है, इसलिए हमारी गेरेना फ्री फायर वो भी ला सकती है मिस्ट्री शॉप में 80 से 100 डायमंड तक, मतलब कि जितना आपको डिस्काउंट मिलेगा उतना कम डायमंड्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो आपको यार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी अमेजिंग ऐसे न्यू वीडियोस बनाते रहूँगा।
और आपका प्यार और सपोर्ट ही यार दिल जीत जाता है। तो प्लीज़ यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय गाइस, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।